हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ चार ऐसी चीज़ों के बारे में जो हम लोग को बाइक स्टार्ट करने के पहले मतलब बाइक राइड के लिए निकालने के पहले हमेशा चेक करनी चाहिए। ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो है फ्यूल। मैंने बहुत लोग को रोड पे धक्का मारते हुए देखा है जस्ट बिकॉज फ्यूल ख़त्म हो गया। पता नहीं, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि फ्यूल ख़त्म होने तक उनका ध्यान कैसे नहीं गया। तो सबसे पहली चीज़ आपको चेक करनी है फ्यूल। फ्यूल आप किस हिसाब से चेक करोगे? ऑब्वियसली आप जितना ट्रैवल करने वाले हो, आप 10 किलोमीटर जाने वाले हो, 50 किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका फ्यूल होना चाहिए। दूसरी चीज़ है इंडिकेटर्स। जो सिग्नल इंडिकेटर्स है वो आपको चेक करने चाहिए कि आपके चारों इंडिकेटर सही तरीके से चल रहे हैं नहीं। ऐसा नहीं हो ना हो कि आपने इंडिकेटर ऑन किया और आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि आपने इंडिकेशन दे दिया है लेकिन एक्चुअली आपके इंडिकेटर्स नहीं चल रहे हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्रेक लाइट्स और टेल लाइट्स। अब ब्रेक लाइट और टेल लाइट में काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ब्रेक लाइट कौन सी है, टेल लाइट कौन सी है, क्योंकि जो बाइक्स है बाइक के अंदर एक ही हाउसिंग के अंदर दोनों चीज़ फिट रहती है, जो बल्ब भी इनफैक्ट एक ही रहता है। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर बल्ब निकाल के, मैं ट्राई करूँगा कि ये वीडियो के अंदर एक उसका फ़ोटो डालूँ पॉइंट आउट करके, तो उसके अंदर दो फ्यूज़ रहते हैं। एक रहती है जो टेल लाइट्स के लिए, टेल लाइट के लिए, और एक रहती है ब्रेक लाइट के लिए। तो ब्रेक लाइट क्या होती है? जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तब वो लाइट जलती है, और जो टेल लाइट रहती है वो स्पेसिफिकली नाइट राइडिंग के लिए या फिर ऐसे केस जहाँ पे विजिबिलिटी कम है तो आप उसको ऑन कर सकते हो ताकि पीछे वाली गाड़ी को आपका टेल, दैट्स वाई टेल लैम्प, इसके लिए टेल लाइट उसको बोलते हैं, ताकि आपका गाड़ी का टेल कहाँ है, आपका गाड़ी का एंड कहाँ है वो पता चले उसमें। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप ब्रेक लाइट चेक करने के लिए सिंपल तरीका है, आप ब्रेक्स प्रेस करो, चेक करो कि आपका लाइट्स जल रहा है कि नहीं, आगे और पीछे दोनों ब्रेक चेक करो, दोनों ब्रेक अप्लाई करने पे लाइट जलनी चाहिए। और जो टेल लैम्प है वो आप सिंपली चेक कर सकते हो, अगर आप आपकी बाइक नई है अभी कंपैरेटिवली, तो अभी ज़्यादातर न्यू बाइक्स के अंदर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड रहता है जो हेडलाइट का सिस्टम, तो आप हेडलाइट ऑन करो तो आपकी टेल लैम्प जलनी चाहिए। जो ब्रेक लाइट की हाउसिंग है उसी के अंदर एक डिम लाइट जलनी चाहिए, उसको टेल लैम्प बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड नाउ फोर्थ द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, ये है आपका टायर प्रेशर। टायर प्रेशर आपको दोनों टायर के चेक करने हैं। ऑब्वियसली आप टायर का प्रेशर चेक करने के लिए हमेशा कुछ डिवाइस लेके तो नहीं चल सकते हो, तो आप एक अंदाज़ा रखिए कि आपने जब लास्ट टाइम एयर फिल किया तो आपका टायर का प्रेशर कितना था, उसको जस्ट पैर से आप प्रेस करके देख सकते हैं कि कितना प्रेशर है। अगर बहुत कम लग रहा है तो आप इमिडिएटली, सबसे पहला काम है आपको जाके एयर रिफिल कराना है, दैट्स इट। ये चार चीज़ें मुझे लगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमेशा बाइक राइड, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये चार चीज़ें मुझे लग रहा है कि जो डेली हम लोग कम्यूट करते हैं सिटी में ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से रिटर्न घर पे आने के लिए, तो या इनफैक्ट कहीं भी बाहर जाने के लिए, तो आप जब भी बाइक निकालें तो ये चार चीज़ों की आदत डाल लीजिए। दैट्स इट, बाय बाय।